बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक बुक जो आप लोगों की स्टार्ट नहीं हुई थी, एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2, उसका आज लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो टोटल 5 चैप्टर्स हैं जो कि हमने इस कोर्स कॉन्टेंट के अंदर पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर है प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, जिसमें मसल्स, बोन्स और डिफरेंट इंटेगोमेट्री सिस्टम हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद कम्युनिकेशन 1 आ जाएगा, उसके अंदर न्यूरॉन्स, ब्रेन और डिफरेंट नर्व्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तीसरा चैप्टर जो आएगा वो सेंसेस के बारे में, जिसमें 5 की 5 सेंसेस और उनका स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस हम लोग स्टडी करेंगे। फोर्थ जो चैप्टर है उसके अंदर अगर हम देखें तो वो हम स्टडी करेंगे जी एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन्स हैं और केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है, यानी कि हार्मोन और उनके डिटेल, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये चीज़ें सारी स्टडी की जाएंगी। और पांचवा चैप्टर है उसके अंदर हम इम्यूनिटी, सर्कुलेशन, ब्लड और उसके डिफरेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स, उसके बाद आगे आ जाएगी जी हार्ट, उसका स्ट्रक्चर, डिफरेंट उसकी डिजीजेज, और इसके अलावा आगे जो स्टडी करेंगे वो आ जाएगा जी गैस एक्सचेंज, जिसमें लंग्स और उसका स्ट्रक्चर और वेंटिलेशन यानी कि ब्रीदिंग सिस्टम्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो टोटल 5 चैप्टर हैं एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 के अंदर। तो आज सबसे पहला जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर जो हमने चीजें स्टडी करनी है वो है जी प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर। सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे इंटेगोमेंट्री सिस्टम। इंटेगोमेंट्री सिस्टम क्या होता है, इंटेगोमेंट्री सिस्टम के फंक्शन क्या हैं, और इनवर्टिब्रेट्स का इंटेगोमेंट्री सिस्टम कौन कौन से, यानी कि स्किन उनकी किस तरह की। आज जस्ट हम इनवर्टिब्रेट्स डिस्कस करेंगे, कल हम वर्टिब्रेट्स और इसी तरह से आगे चलते जाएंगे, फिर मस्कुलर और नॉन मस्कुलर सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट, फिर आगे वर्टिब्रेट, फिर आगे बोन्स और इस तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर सारे के सारे हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगर इसकी कोर्स कंटेंट को देखते हुए अगर बुक को देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक कौन सी है, तो आप लोगों ने बेटा 2 बुक्स को फॉलो करना है। वैसे तो काफ़ी सारी बुक्स हैं, रिकमेंडेड बुक्स के अंदर अगर देखें तो काफ़ी सारी लंबी लिस्ट आ जाती है, तो आपने 2 बुक्स को जनरली फॉलो करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो है रियाजुल अकरामे की, जो कि सर यूनस ने भी आपको रिकमेंड की होगी, और एक मिलर आर्ले की बुक है। मिलर आर्ले की बुक है वो शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो ग्रुप के अंदर आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगी। और जो दूसरी बुक है रियाजुल अकरामे की, वो आप लोगों ने हार्ड फॉर्म में अपनी अपनी परचेज कर लेनी है। उसके अंदर जो एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 जो सर यूनस टीच कर रहे हैं और एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 जो कि मैं टीच करूंगा आप लोगों को, ये दोनों के दोनों कोर्सेज उसके अंदर कवर अप हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने ये बुक ध्यान से अपनी, सब लोगों ने बुक खरीद लेनी ताकि आप लोग लेक्चर साथ साथ प्रिपेयर करते जाएं, और जहां से समझ ना आए तो वो डिस्कशन के अंदर हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर लिया करेंगे, कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम आती है तो हम शेयर करते रहेंगे आपस में। तो आइए जी हम सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट टॉपिक है इंटेगोमेंट्री सिस्टम। सबसे पहले आ जाता है जी ये, जैसा कि स्क्रीन के साथ शेयर किया हुआ है, कि प्रोटेक्शन हमारी किस चीज से होती है, स्किन के जरिए। तो स्किन के जरिए जो प्रोटेक्शन होती है उसको अगर हम देखें तो वो होती है किसके जरिए बेटा, इंटेगोमेंट के जरिए। व्हाट इज एन इंटेगोमेंट, इंटेगोमेंट की अगर ये पहली लाइन ही आप देखें, इंटेगोमेंट का मतलब ही इंटेगोमेंटम, जैसा कि ये आपके सामने लिखा हुआ है, इंटेगोमेंटम का मतलब होता है कवर, द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ एन एनिमल। तो सबसे एक्सटर्नल कवरिंग, जैसा कि हमारे अंदर स्किन है, ये हमारी एक्सटर्नल मोस्ट कवरिंग है, इसी तरह से हर जानदार के अंदर कोई ना कोई एक्सटर्नल कवरिंग मौजूद होती है जिसको आप इंटेगोमेंट का नाम देते हैं। ये एक एमसीक्यूज भी बन जाता होता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी इस तरह की डेफिनेशंस आ जाती हैं, व्हाट इज एन इंटेगोमेंट, राइट इट्स फंक्शन। तो बेटा सबसे पहले इंटेगोमेंट क्या चीज होती है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल, जो सबसे एक्सटर्नल कवरिंग जो बॉडी के ऊपर मौजूद होगी उसको क्या कहेंगे आप लोग, इंटेगोमेंट का नाम देंगे। तो ये पहली लाइन ही डेफिनेशन एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द एनिमल। आगे ये यहां से शुरू होकर, ये जहां से मैंने ये एरो की ब्लू की है, यहां से लेकर यहां तक एंड तक जो है वो सारे के सारे इसके फंक्शन।
तो बुक अगर वो ले लेंगे रियाजुल अकराम में की अगर बुक लेंगे तो बेटा उसके अंदर सारे के सारे ये फंक्शंस पॉइंट्स के अंदर नोट्स बने बनाए, तो आपको अलहदा कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप मिलर आले की बुक और रियाजुल अकरामे की बुक, ये दोनों बुक को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को किसी और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर मोस्टली जो बनता है वो इधर मिलर हार्ले से ही बनता है, तो मिलर हार्ले के नोट्स ही बनाए हुए हैं रियाजुल अकराम में, तो आप वो बुक जरूर ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद करना आसान हो। और उसके अंदर कई जगह पर मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं, जो मुश्किल वर्ड्स हैं इंग्लिश के वो भी आसान किए हुए हैं, और जो बड़े टॉपिक्स हैं उनको छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसलिए वो आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बुक होगी आप लोगों को याद करने के लिए। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं जी इंटेगोमेंट। मैंने अभी आप लोगों को बताया इंटेगोमेंट का मतलब क्या होता है, बॉडी कवर। जो एक्सटर्नल मोस्ट कवरिंग है एक जानदार की, उसको क्या कह देते हैं, इंटेगोमेंट कहते हैं। इंटेगोमेंट का फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहला अगर फंक्शन देखा जाए तो ये क्या करती है बेटा, मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी से बचाती है किसी भी एनिमल को, मैकेनिकल और केमिकल इंजरी। जैसा कि अब हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी केमिकल गिरता है तो हमारी स्किन इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, तो मैकेनिकल फिजिकल किसी भी तरह की जो भी इंजरी आती है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। तो किसी भी एनिमल की अगर एक्सटर्नल कवरिंग देखी जाए तो वो इस तरह से प्रोटेक्शन मुहैया करती है मैकेनिकल और केमिकल इंजरी से, पहला पॉइंट ये है। दूसरे नंबर पर इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में जाने से बचाती है जो एक्सटर्नल स्किन होती है, जो भी इंटेगोमेंट किसी भी जानदार। कैसे, जैसा कि हमारी स्किन से कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं हो सकता जब तक कि हमारी बॉडी के ऊपर कट ना लगे। जख्म होता है या कोई कट लगता है, कोई इंजरी आती है तो फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चीज एंटर होती है, वरना कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने बता देना कि ये मैकेनिकल और केमिकल इंजरी से बचाती है। दूसरे नंबर पर आप लोगों ने बता देना कि ये जी इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है। तीसरे नंबर पर अगर देखें तो बेटा ये क्या करती है, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। जैसा कि आप लोगों को बताइए गर्मी हो तो हमें पसीना आता है, पसीना आता है तो वेपोरेट कूलिंग होती है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर, फिर बॉडी को ठंडक लगती है और बॉडी का टेम्परेचर फिर मेंटेन हो जाता है। तो ये रेगुलेशन, जैसा कि मैंने हाईलाइट भी किए हुए इसके फंक्शन के, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, साल्ट्स वगैरह जो है, यूरिया वगैरह, साल्ट्स वगैरह हमारी बॉडी में पसीने की फॉर्म में वो भी आउट होते रहते हैं। इसके अलावा हमारी स्किन एक विटामिन डी का भी सोर्स है, जैसा कि सनलाइट के अंदर बैठे तो हमारी स्किन से विटामिन डी बनता है, तो ये विटामिन डी का भी सोर्स है। इसके अलावा जितनी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है, कोई भी चीज हमें टच करे या हम किसी चीज को छेड़ें या उस चीज की जो स्टिमुलस हमें, हमारी बॉडी को कोई चीज हमें कट करे स्किन के ऊपर, तो उसका जो स्टिमुलस आता है तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देने के अंदर, यानी कि हमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अंदर हेल्प करती है। पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन सारी चीजों को ये हेल्प करती है। इसके अलावा एक्सटर्नल स्किन लोकोमोशन में हेल्प करती है, जैसा कि इंसेक्ट्स के अंदर देखें तो ये जो एक्सटर्नल स्केलेटन है जो स्किन के साथ अटैच होता है, पार हैं या उनके पांव हैं, तो वो उनको लोकोमोशन करने में और मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट और गैसेस की ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड है। जैसा कि ये देखें उनकी स्किन सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, जैसा कि अमीबा के अंदर, पैरामेशियम के अंदर देखा जाए तो उनकी स्किन सिर्फ सिंगल सेल तक होती है, तो वहां से जितने भी मटेरियल का एक्सचेंज है वो कहाँ से होता है, उनकी स्किन के जरिए होता है। तो इंटेगोमेंट एक जनरली एक्सटर्नल बॉडी कवर है जो कि मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, हमें इंजरी से बचा रहा होता है, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा रहा होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, विटामिन डी की प्रोडक्शन कर रहा है, हमें एक्सटर्नल स्टिमुलस जो पेन, प्रेशर, टेम्परेचर उसको रिसेप्शन के अंदर हेल्प कर रहा है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट और गैसेस के ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हेल्प कर रहा होता है। ये आ गया जी इंटेगोमेंट और उसके फंक्शन। आगे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंटेगोमेंट्री सिस्टम ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, के मुख्तलिफ इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर कौन कौन सा इंटेगोमेंट्री सिस्टम मौजूद होता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इंटेगोमेंट्री सिस्टम ऑफ प्रोटोजोन्स, ये सिंगल सेल प्रोटोजोन, ये आप लोगों ने अभी पेपर बी के अंदर मिलर हार्ले के अंदर पढ़ा होगा, प्रोटोजोआ, पोरीफिरा, सेल एंट्रीटा, प्लेटी, एलमंथिस, ये सारे फाइलम्स आप लोगों ने स्टडी किए हैं।
तो उसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं जी प्रोटोजोआ, सिंगल सेल प्रोटोजोआ। उनके अंदर क्या उनकन से आ जाते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, ये वो, ये सारे जानदार आ जाते हैं। तो इनका अगर इंटेगोमेट्री सिस्टम अगर देखा जाए तो बेटा इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटेगोमेट्री सिस्टम होता है ओनली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है जो कि इनकी एक्सटर्नल कवरिंग है, और यही इनका इंटेगोमेट्री सिस्टम है। स्ट्रक्चरली और केमिकल आइडेंटिकल होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल जैसे यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल उससे मिलती जुलती ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके अंदर मौजूद होती है, ये सिंगल सेल प्रोटोजोन के अंदर मौजूद होती है। सिंगल सेल प्रोटोजोन की एग्जांपल्स मैंने अभी बताई आपको, अमीबा, यूक्लिना, पैरामीशियम, ये वो सारी की सारी एग्जांपल इन्हीं की ही है। तो अगर रिलेटिव टू द बॉडी वाली, तो ये काम किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, उन्होंने कहा प्रोटोजोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लार्ज सरफेस एरिया होता है जो रिलेटिव टू द बॉडी वाली, क्योंकि सिंगल सेल होते हैं और इनका सरफेस एरिया बहुत लार्ज होता है, सरफेस एरिया के जितने भी मटीरियल और गैसियस एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज और मटीरियल्स का और सोलबल वेस्ट का मटीरियल का जो बाहर निकलते हैं वो किसके जरिए निकलते हैं बेटा, डिफ्यूजन के जरिए इनसे बाहर निकल रहे होते हैं। तो ये अगर आप देखें कि मैं हाईलाइट जहाँ पे कर रहा हूँ, तो इनके अंदर अगर देखा जाए तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके अंदर उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के जरिए सारे मटीरियल्स का एक्सचेंज होता है। तो ये आप लोगों ने बता देना, लार्ज सरफेस एरिया आल्सो फैसिलिटेट द न्यूट्रिएंट टू टेक अप इन द फॉर्म ऑफ द फ्लूइड। उन्होंने कहा कि मटेरियल बॉडी से बाहर निकलें, वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलें, फूड बॉडी के अंदर जाए, या गैसियस एक्सचेंज हो, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बॉडी से बाहर निकले, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाए, तो ये सारे की सारा जो मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा होता है वो इनके इंटेगोमेंट्री सिस्टम के जरिए हो रहा होता है। वो इंटेगोमेंट्री सिस्टम क्या चीज है, वो एक बेटा एक जर्नल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक और चीज है, ये पहली का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो पैरामीशियम है, पैरामीशियम के अंदर एक थिक प्रोटीन कोट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर। ये एमसीक्यूज अगर पुराने पेपरों के अंदर देखा जाए, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी पेपर्स के अंदर देखा जाए, तो बेटा ये एक ना एमसीक्यूज आता होता था, ये जो मैंने हाईलाइट अभी किया है कि प्रोटोजोआ सच एज द पैरामीशियम, पैरामीशियम के अंदर एक थिक प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर वाली साइड पर एक आउटर कवरिंग मौजूद होती है जिसको आप पेलिकल का नाम देते हैं, जो कि क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, और सेमी रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, इसके अंदर से सीलिया वगैरह ग्रो होते हैं, और ये एनिमल्स को मूवमेंट में हेल्प करती है पैरामीशियम वगैरह को, और इसके अलावा जो पैरामीशियम है उसकी क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो ये हो गया जी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल प्रोटोजोन जिनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सिर्फ इंटेगोमेंट, हम इंटेगोमेंट्री सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, तो इंटेगोमेंट्री सिस्टम क्या होता है और उनके फंक्शन क्या हैं, तो ये हम जर्नली स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमने जो स्टडी किया है वो प्रोटोजोन स्टडी किए हैं, उनका इंटेगोमेंट्री सिस्टम किस चीज से बना हुआ है, सिंगल सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, सिंगल सेल होता है और उनके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के जरिए ही सारा मटेरियल का एक्सचेंज और वेस्ट मटेरियल और इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज है वो सारे का सारा इन्हीं के जरिए होता है, और यही मेम्ब्रेन इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। अगर पैरामीशियम की तरफ देखा जाए तो इस के इर्द गिर्द बेटा क्या चीज मौजूद होती है, पेलिकल मौजूद होती है जो कि एक प्रोटीन का बना हुआ कोट है। आगे मोस्ट ऑफ द मल्टी सेलर इनवर्टिब्रेट्स हैव ए कंसिस्टिंग ऑफ द सिंगल सेल कॉलमनर एपिथेलियम। ये अगर डायग्राम में देखा जाए तो बेटा मल्टी सेलर इनवर्टिब्रेट्स में देखा जाए तो ये कॉलम शेप, ये देखें ये डायग्राम को जो ये मैं अभी एरो शो कर रहा हूँ, तो ये कॉलमनर सेल आपको नजर आ रहे होंगे, ये लंबे लंबे सेल्स मौजूद होते हैं जो कि एपिडर्मस सेल्स मौजूद होते हैं, इनके अंदर से सीलिया निकले होते हैं, ठीक है, और उसके अंदर म्यूकस सेक्रीटिंग सेल्स भी मौजूद होते हैं जो कि म्यूकस वगैरह सेक्रीट करते रहते हैं। ये क्या चीज होती है जी, इनके ऊपर सीलिया है जो कि मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं, ये ग्लैंडुलर सेल्स हैं, इसके नीचे बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे देखा जाए तो कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये मल्टी सेलर अगर इनवर्टिब्रेट देखें तो उनकी स्किन को अगर चेक किया जाए तो सबसे आउटर के ऊपर मौजूद होगी एपिडर्मस, एपिडर्मस के अंदर अगर देखा जाए तो ये सारे के सारा, ये जो बेटा ये मैं जो राउंड कर रहा हूँ एरो को, तो ये कॉलमनर सेल्स मौजूद होते हैं,
ठीक है, कॉलमनर सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियस ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद हैं, उसके अलावा बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है और कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो एपिडर्मस इनकी होती है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उनके अंदर से सीलिया निकले होते हैं और उनके अंदर से म्यूकस वगैरह रिलीज होती है। तो ये देखें, जो मल्टी सेलर इनवर्टिब्रेट है इंटेगुमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल, यानी कि कॉलम शेप सेल्स होते हैं। ये भी आपने पेपर ए में मिलर हाले में स्टडी किए हो, कॉलमनर सेल्स होते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज द एपिडर्मस। एपिडर्मस का मतलब क्या होता है? सबसे आउटर लेयर। तो ये सबसे आउटर लेयर कॉलम शेप सेल्स की बनी हुई होती है। रेस्ट इज द बेस मेम्ब्रेन, और उसके नीचे क्या चीज होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होती है। बीनीथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे क्या चीज है? कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होते हैं। तो वो यूनिसेलुलर के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मल्टी सेलुलर अगर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर देखा जाए तो कॉलमनर एपिथेलियम मौजूद है, बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद है और कनेक्टिव टिश्यूज बेटा मौजूद होते हैं। तो ये आप लोगों ने बता देना, बीनीथ द बेसमेंट कनेक्टिव टिश्यूज और एपिडर्मल सेल्स हैं। एपिडर्मल सेल्स के ऊपर देखा जाए तो बेटा उन्होंने बताया हुआ है सीलिया मौजूद होते हैं, जो कि चीजों के मूवमेंट के लिए और एनिमल्स की मूवमेंट के लिए मौजूद होते हैं। और कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ग्लैंडुलर सेल्स भी मौजूद होते हैं, जो कि मटीरियल्स वगैरह जो सेक्रेट करते रहते हैं। ये नॉन सेलुलर मटीरियल है जो कि इसकी बॉडी को कवर करता रहता है। इसके अलावा कुछ अगर इनवर्टिब्रेट्स को बेटा अगर देखा जाए तो क्या चीज है? उनके अंदर क्यूटिकल मौजूद होती है। क्यूटिकल क्या चीज है? एक वेरिएबल स्ट्रक्चर है जो कि रोटीफर्स के अंदर अगर देखे तो बहुत इलास्टिक। रोटीफर आप लोगों ने पढ़े, फाइलम रोटीफीरा आप लोगों ने पेपर बी के अंदर पढ़ा है, उनकी अगर स्किन देखी जाए तो उनके ऊपर भी क्यूटिकल मौजूद होती है, लेकिन उनके जो क्यूटिकल होती है वो थिन और इलास्टिक होती है, बहुत थिन और इलास्टिक होती है, ये फर्क है। और अगर क्रस्टेशियंस यानी कि आर्थ्रोपोड्स को देखा जाए, जिनके अंदर इंसेक्ट्स, अरेक्नाइड्स, अरेक्नाइड्स में स्पाइडर आ जाएंगे, इंसेक्ट्स के अंदर ये कीड़े मकोड़े सारे आ जाएंगे, क्रस्टेशियंस जो कि समंदर के अंदर ये क्रैब्स वगैरह पाए जाते हैं, उनका अगर देखा जाए तो उनका देखें स्केलेटन, आप इंसेक्ट को ही देख लें, मक्खी को या किसी ब्लैक ये जो कीड़े वगैरह फेर रहे होते हैं इनको देखें, या क्रैब को देख लें या किसी स्पाइडर को देख लें, तो इनकी स्किन हार्ड होती है, तो इनके ऊपर थिक और रिजिड क्यूटिकल मौजूद होती है। ठीक है, ये सिर्फ फर्क है। रोटीफर के अंदर थिन और इलास्टिक होती है, ये इधर बताया हुआ है, और इनके ऊपर थिक होती है, थिक और रिजिड होती है। इनके अंदर अरेक्नाइड्स के अंदर, इंसेक्ट के अंदर और क्रस्टेशियंस के अंदर, ये आप लोगों ने बता देना। और उन्होंने कहा कि इसमें रिजिड प्लेट्स मौजूद होती हैं और ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है, क्योंकि अगर इंसेक्ट की अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन होता है, तो वहां पर ये फ्लेक्सिबल होती है ताकि उनकी बॉडी के पार्ट्स मुख्तलिफ मूव कर सकें। तो आर्थ्रोपोड्स हैं, उनके अंदर एक काम, ये आप लोगों ने अगर देखा जाए तो ये एक डेफिनेशन पहले भी पढ़ी हुई है क्राइसिस या मोल्टिंग की, पेपर बी में भी पढ़ी है, सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर 16 के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मोल्टिंग या क्राइसिस, कि ये एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है बेटा क्यूटिकल। ये क्यूटिकल एक नॉन सेलुलर, ये ग्रो नहीं होता। तो जब ये ग्रो नहीं होता तो इंसेक्ट का स्ट्रक्चर बड़ा होना होता है, जब उसकी बॉडी ने ग्रो करना होता है तो वो बड़े कैसे होते हैं? तो ये क्या करते हैं बेटा, जब उनका साइज उस बॉडी के अंदर यानी कि उनकी क्यूटिकल के अंदर फिल अप हो जाता है, तो उसके बाद इन्होंने जब बड़ा स्ट्रक्चर ये अपने ऊपर बनाना होता है तो ये पुराना स्ट्रक्चर शेड ऑफ कर देते हैं, पीरियडिकली उसको तोड़ देते हैं, तोड़ तोड़ के अपनी बॉडी को खाली करते हैं और नया स्ट्रक्चर अपने ऊपर, नया एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को, ये पुराना स्केलेटन तोड़ के नया स्केलेटन बनाने के प्रोसेस को एक्डाइसिस या मोल्टिंग का नाम दिया जाता है, एक्डाइसिस या मोल्टिंग का नाम दिया जाता है। उसके बाद आगे नाइडेरियंस, हाइड्रा वगैरह को देखें तो इनके अंदर जो एपिडर्मस है, ये हम स्किन पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ एनिमल्स की, पहले हम लोगों ने पढ़ी जी प्रोटोजोन्स की, उसके बाद इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर क्यूटिकल वगैरह मौजूद होती है, रोटीफर्स वगैरह की पड़ी, अब नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया के अंदर हाइड्रा वगैरह के देखें तो उनके फ्यू सेल थिक एपिडर्मस होती है। ठीक है, अदर नाइडेरियंस को देखें जैसा कि कोरल्स वगैरह को देखें तो उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बना होता है। इसके अलावा आउटर कवरिंग ऑफ द पैरासाइटिक फ्लूड, टेप वर्म वगैरह यानी कि ये फाइलम प्लेटीएलमंथिस को देखें तो उनके अंदर ये सेंसाइटियम, सेंसाइटियम का मतलब होता है बेटा मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। सेंसाइटियम का मतलब क्या होता है?
मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर उनके अंदर मौजूद होता है जिसको सेंसाइटियम बोलते हैं। ये किन के अंदर मौजूद होता है? ये मौजूद होता है बेटा जिसको टैगोमेंट, एक इंटैगोमेंट है एक टैगोमेंट है। टैगोमेंट का मतलब भी कवरिंग है, लेकिन ये टैगोमेंट सिर्फ मौजूद होता है पैरासाइटिक वर्म्स के अंदर जिसमें टेप वर्म, लीवर फ्लूक वगैरह मौजूद होती है, उनकी आउटर कवरिंग है। वो किस चीज से मौजूद होती है? मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर की बनी होती है। निमाटोड और एनेलिड के अंदर भी एपिडर्मस, ये भी वन सेल थिक होती है और मल्टी लेयर्ड इसके ऊपर क्यूटिकल चढ़ जाती है। इसी तरह से काइनोडर्म की अगर स्किन देखी जाए तो वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसी के अंदर सीलिएटेड एपिथीलियम होती है और किसी के अंदर जैसा कि फ्रेश वाटर म्यूजल्स वगैरह देखें तो उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई स्किन होती है। और अगर आर्थ्रोपोड को, फिर वही बात आ गई, आर्थ्रोपोड को देखें तो इनका एंटैगोमेंट स्पेशली एक्सोस्केलेटन होता है, स्पेशलाइज एक्सोस्केलेटन होता है जो कि क्यूटिकल काइटन का बना होता है। और काइटन किस चीज की बनी होती है बेटा? वो पॉलीसेक्राइड्स की और प्रोटीन की बनी होती है जो कि कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। वो आगे जाके भी हम पढ़ेंगे कि जो काइटन है वो किस चीज की बनी होती है, वो पॉलीसेक्राइड्स की और प्रोटीन का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिससे एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स बनता है। और ये मुख्तलिफ तरह के हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे पहले हमने सिंगल सेल प्रोटोजोन पढ़े, फिर मल्टी सेलर प्रोटोजोन, फिर प्रोटीफर्स, उसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़े इंसेक्ट्स, अरेक्नाइड्स, उसके बाद आगे आ जाते हैं जी बाकी दूसरे के क्रस्टेशियंस, फिर आगे आ जाते हैं जी हाइड्रा वगैरह, फिर लीवर फ्लूक, टेपवर्म। इनकी एक्सटर्नल स्किन किस किस चीज से बनी होती है? आज का टॉपिक हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, छोटा सा, वो इसके बारे में था। इसके अंदर अगर कोई डिस्कशन है, इसको एक बार आपने अच्छे तरीके से मिलर आले की बुक या फिर रियाजुल अकरामे की बुक से रीड आउट करना है, इंटैगोमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट और इंटैगोमेंट क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये स्टडी करना है। अगर इसमें से कोई मसला हो तो वो, कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप डिस्कशन में मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। अब इंशाल्लाह कल वर्टिब्रेट का इंटैगोमेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, उस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।